हमें ये लगा कि मर चुका है, दिखाना थोड़ा बहुत इसकी जो है ना यार, इसकी आंखें हैं अभी, सांसें चल रही हैं, जिंदा है अभी, ऐसे लगता है। कोशिश करो इसको बेचारे को पानी पिला। अफ्ताब भाई आपके ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिन का आगाज यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं बाहर असल में जा रहा था थोड़ा काम से, मैं सामान वगैरह लेने अफ्तारी का, तो जब मैं गया हूँ तो बाहर अब क्लिप देख रहे हैं ना थोड़ा बहुत, मैंने वहाँ सही नहीं बनाई। तो इस कबूतर बेचारे को ना जो है कि चोट लग गई है शायद, ये नीचे आके गिरा हुआ था गली में, बच्चे खड़े हुए थे सारे, तो मैं इसको ले आया हूँ, इसकी मिट्टी वगैरह साफ़ करेंगे, फिर इसको देखेंगे इसको हुआ क्या है, उसके बाद इसको इंशाल्लाह ताला उड़ाने की कोशिश करेंगे, जहाँ इसकी मंजिल है वो अपनी मंजिल पर चला जाए। तो देख भी बड़े गौर से है ना ये, तो इसको थोड़ा ट्रीटमेंट करते हैं इसकी, देखते हैं कहीं चोट तो नहीं लगी हुई, खैर इसे उड़ जाएगा, कोशिश करते हैं। और ये जो है ना दो बच्चे हमारे मोहल्ले के माशाल्लाह। मुंता कैसा लग रहा है इस कबूतर, आप खिलाओगे इसको? हाँ, खिलाओगे? हाँ। इसको खिलाओगे आप? ये इसको तो उड़ाना है हमने, वैसे आप नहीं उड़ाओगे इसको? तो उड़ाओ ना इसको, कोशिश करो उड़ाओ। पहले इसको पानी पिलाने की कोशिश करेंगे। पानी नहीं पिएगा, मैं आपको बता देती हूं। तो क्या पिएगा बताएं आप? ये कुछ भी नहीं पिएगा, इसको आप रख दो। अच्छा, दवाई लगाकर। दवाई इसको चोट कहाँ पर है यही तो मैं देखना चाह रहा हूँ, इस बेचारे को हट आगे से चोट कहाँ पर, इसकी मिट्टी साफ करो आप सा मुंता, मिट्टी साफ करो आराम आराम। खैर ये इंशाल्लाह जो है ना कोशिश करेंगे इसको उड़ाने की, और मुझे लग रहा है कि इसकी पोजीशन जो है ना उड़ने की ही लग रही है, हटना एक मिनट, इसको ऊपर बिठा के उड़ाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। ओ सीन ऐसा है, ये ना घर के पीछे जो है ना हमारे यहाँ एक खाली जगह पड़ी हुई है, वहाँ पर गिर गया, मैं इसको उठाने जा रहा हूँ, इसको लेके आते हैं, हो सकता है कि पैर में कहीं चोट लगी हुई है, उसको सेट करते हैं, उसके बाद इसको कोशिश करते हैं उड़ाने की। जो कबूतर उड़ाते हैं वो मेरा दोस्त मिला है लाल, उसको मैं जाऊँगा यार, इसको देख क्या हुआ है, इसको चेक कर, उड़ नहीं रहा, कोशिश कर। हाँ क्या हुआ, इसको गिरा है आगे गली में गिरा है, इसको चेक करो। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है, खैरियत मज़े में? ये भाई हमारे बिल्डर साहब हैं, इनसे ही हमने जो है ना जिम इनको देख के शुरू की हुई है। अभी सर क्या हुआ, इसको देखना चेक करना। आ गया भाई, आ गया मुत्ता भी आ गया इस वीडियो के अंदर, क्या हुआ इसको? गर्मी लगा, पोकी में दो आने, यो मरी में दो, ये न कर यार कुछ कर इनके, हल्ला पोकी रखो इनके मथे रखी चलो छत पे, पानी वाणी पियाँ मथे रख, तकबीर आने के दो इनके। भाई ये जो है ना यहाँ पर एक्सपर्ट है इन चीज़ों के, हमें तो नहीं पता इनका, ये बोल रहे हैं कि ये बैर, ये बोल रहे हैं असल में ये जो ना मरने वाला है, गर्मी लग गई है, पता नहीं क्या सीन है, मुझे पता नहीं है इसका, खैर इसको जो है ना ऊपर बिठा देंगे हम, पानी वानी पिलाएंगे जब तक इसकी ज़िंदगी है, हमारे हाथ में ज़िंदगी है नहीं। वैसे इसका कोई हल वल नहीं है, इसका कोई इलाज वगैरह ना मुझे तो नहीं पता। हाँ बड़ी मेहनत थी, नहीं पर इलाज कोई भी नहीं, छाजी मेहनत थी दिन में, छा खाना बंद, कुछ कहो यार इन गरीब जो शेट मंसूर, आप बताएं उस्ताद ही। मैं तो कहता हूँ इसको कैप्सूल खिलाओ, वेपरा मेसिन कैप्सूल, कैप्सूल सेट जाता ही है बाकी। चले जो है ना तो रोटी के जो इतने इतने होते हैं ना, हाँ ये उड़ नहीं रहा, ऐसे मैंने कोशिश की है, ये देखो ना, अबे नहीं बेल्ट नहीं मारो, रास्ते में इसका क्या है, मर चुका है ये, ऊपर करें यार, अभी अभी रास्ते में हुआ, हुआ क्या कोई इसकी वजह तो बनी होगी। अच्छा यार बात ये है कि मैं आफ्ताब भाई के पास आया हूँ कबूतर को लेके, हमें ये लगा कि मर चुका है, दिखाना थोड़ा बहुत इसकी जो है ना यार, इसकी आंखें हैं अभी, सांसें चल रही हैं, जिंदा है अभी, ऐसे लगता है। कोशिश करो इसको बेचारे को पानी पिला। अफ्ताब भाई आपके ब्लॉग में तो मरा हुआ है ये, तो थोड़ा जिंदा है, थोड़ा ट्राई करते हैं, अभी देखते हैं उसे पानी वगैरह पिलाते हैं, हो सकता है वो बच जाए, उसकी जिंदगी हुई तो। यार आज का वैसे मेरा ब्लॉग था आपके पास ही आने का ना, तो बस मैं उठाऊँ सो के, तो जैसे घर से बाहर निकला तो इस बेचारे को। मैंने आपका लास्ट ब्लॉग देखा था, आप कहते हैं कि मैं कराची जा रहा हूँ, बस मैं जा रहा हूँ ना, आज की तैयारी है, नेक्स्ट ब्लॉग भी मेरा कराची। मुलाकात की इतने अरसे, इतने दिन से आप आए हुए हैं, और फिर यार बस पता नहीं टाइम का, पता नहीं चला रोजे भी थे तो उस हिसाब से मिल ही नहीं पाया, ये तो अफ्तारी करता मैं आपके साथ, सीन था मेरे माइंड के अंदर। अच्छा और सुना, अरे पानी पिला रहे हैं हम लोग, देखते हैं जिंदा है क्या, क्या सीन है इसका, मर चुका है बिल्कुल यार, उस टाइम तो आगे खोल रहा था लेकिन मर चुका है, बिल्कुल बिल्कुल मर गया,
फिर थोड़ी वो सांसें तो ले रहा था उस वक्त यार। नहीं भाई, गर्दन उसने ना ऐसे आपने उठाया तो गर्दन ऐसे ऐसे हो। अच्छा हुआ क्या था जिस टाइम आप ले यार? मैं जब घर पे था ना तो गली से मैं निकला हूँ तो नीचे गिरा हुआ था। अच्छा। बच्चे इसके ऊपर जो चढ़े हुए थे तो वो पता है बच्चे शैतान ही भाग गया बच्चों से, तो मैंने ऐसे उठा के ऊपर चला गया। मैं इसको पानी में पिलाया छत पे, तो मैंने वैसे दीवार बिठाया मैं ऐसा उड़ जाएगा, उड़ने की कोशिश की पीछे जाके गिर गया ढक में, पीछे जो दीवार है हमारे। मैं वहाँ से उठा के लाया तो मलिक थे उनसे मैंने पूछा, उन्होंने बोला यार ये मर गया इसको काट दो जिबा करके। मैंने जिबा नहीं, आफ्ताब से रब्ता करता, हो सकता है कुछ सॉल्यूशन ढूंढे उससे पहले चला गया। देखते हो सकता है इसे मेरे ख्याल में गर्मी की वजह से ये हो सकता है ना। हाँ वो उसने भी यही बोला था, बोले गर्मी की वजह से हो सकता है ये मर जाए, पर मेरा दिल नहीं मुतमइन हो रहा था कि मैं इसको ज़िबा करूँ, इस वजह से मैं यहाँ आया। आपने कोशिश की इसको, बस इसको क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, जो बात ऐसी है कि जब आपके साथ आपके दोस्त व्लॉगर हो ना तो आपको मज़ा आता है व्लॉगिंग करने में, आपको ये लगता है कि मैं ना व्लॉगिंग की दुनिया में ही घूम रहा हूँ। अब ये देखें ये भाई आफ्ताब भाई, इनका भी जो है ना व्लॉग बन रहा है, और मैं भी असल में सीन ये है कि ना मैं ब्लॉग वैसे आफ्ताब भाई के साथ बनाते, एक स्पेशल मेरा अकाउंटेंट था जो माइंड के अंदर था। खैर एक कबूतर के बहाने मैं इनके पास भी आ गया। दूसरा है कि मैं इनके ज़मीनों पे आया हूँ, ठीक है। ये सारी जो है ना माशाल्लाह इन भाई की ज़मीन है, ये सारी जो है ना अब ये गंदम तैयार हुई हुई बिल्कुल जो है आप ना गंदम बिल्कुल तैयार हुई है। अब इसका जो प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस है इसकी जो है ना क्या बोलते हैं इसको, थ्रेशर वगैरह बोलते हैं ना आज, यानी कि आज थ्रेशर आई हुई है। हाँ। ठीक है, वैसे तो मुकम्मल तो काफ़ी प्रोसेस होता है जब गंदम हम इसमें यानी कि कास्ट करते हैं फिर बड़ी होती है, वो एक अलग प्रोसेस होता है। ठीक है, जब अब ये तैयार शुदा है, जब तैयार हो चुकी होती है उसे काटने के बाद जो थ्रेशर का जो प्रोसेस होता है यानी कि हम थ्रेशर में डालते हैं जो सूढ़ी जिसे कहते हैं, तूड़ी कहते हैं, भूसा कहें, वो अलग हो जाता है। ठीक है, वो किस तरह अलग होता है, वो प्रोसेस हो रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है यार, वो वहाँ से बहुत दूर देखे हैं वहाँ जा रहे हैं हम लोग, वो जो प्रोसेस हो रहा है ना वो आपको दिखाते हैं हम। और आफ्ताब भाई क्या कहते हैं इसको, मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आपको? माशाल्लाह अभी आपके दोस्तों आपने भी देखा होगा जो रमजान से जिसमें व्लॉग स्टार्ट किया ना, फर्स्ट तहरी रमजान वाला और जो सेकंड वाला था अच्छा लगा, यानी कि जो इस व्लॉग से जो पहले वाला व्लॉग था आप जाकर वो जरूर देखिएगा। तो माशाल्लाह आज मैंने इन्हें कहा है कि अभी मुझे खुशी हुई है कि अभी आप व्लॉग जो है वो अच्छे से बना रहे हैं, यानी कि अभी मैं मुतमइन हूँ माशाल्लाह। बस आप मुतमइन हैं क्योंकि यार देखें, अच्छा मजे की बात बताओ आपको, आपका चैनल वो थ्रेशर बंद हो चुकी है और शिट फिर इसको करेंगे, अभी वो थ्रेशर बंद हो चुकी है लेकिन वो साथ में जो एक और भी हमारी चल रही है ना वो है ना वहाँ पर आएगी। बस ठीक है, अभी वहाँ पर चलते हैं। कितनी देर तक आएगी यहाँ पर? बस चलते हैं फिर, अभी वहाँ से यहाँ से निकालेंगे। चले तो दोस्तों वहाँ पर चलते हैं, यहाँ से ये रास्ता है। ठीक है दोस्तों, रास्ता भी दिखाएं तो कैसे चले चले, क्योंकि आपके जितने सब्सक्राइबर मुझे पता है वो तकरीबन कराची के, यही बात है। तो ये माहौल दिखाएं, ये देखो भाई देसी माहौल है, ये निकले भाई आप यहाँ से, ये देखें वो ये जो है रास्ता बीच में से निकाल रहे हैं हम, ये सामने से देखें। ओहो यार ये गंदम जो है ना बिल्कुल तैयार हुई हुई है, ठीक है। अब इसकी जो प्रोसेस है, जो भी इसका प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सीन है भाई, इन्जॉय करते रहें लाइफ में, मस्तियाँ करते रहें, इन्जॉयमेंट करते रहें। ये क्या टेंशनें पाली हुई है, मैं स्टेटस देख रहा हूँ आजकल लोगों के, इसने छोड़ दिया उसने छोड़ दिया, भाई तुम दुनिया को छोड़ो इंशाल्लाह दुनिया तुम्हारे पीछे जाएगी, तुम दुनिया के पीछे नहीं भागो। आफ्ताब भाई क्या कहना है आपका इस बात में? ऐसे ही है ना, अपने आप को जो है ना रिलैक्स रखो भाई, टेंशन नहीं लो ज़िंदगी में, टेंशन है दुनिया जाने के बाद बहुत सारी टेंशन है, जन्नत में किस तरह जाना है, जन्नत से बाहर किस तरह आना है, तो उसकी टेंशन लें आप, ठीक है। तो भाई बात ऐसी है कि जहाँ हम आए हैं फ्रेशर वगैरह जहाँ होती है तो वहाँ चले गए, तो वहाँ जाएंगे हम लोग। अच्छा ये जो सीन है ना यार, ये सीन ऐसा है कि जब गंदम तैयार हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर गरीब तबका आता है उनको दी जाती है ना, वो आ जाते हैं नए नए देखें, तो ये अच्छा सीन है यार, जो मुस्तहिक है उनको वो चीज़ें मिल जाती हैं। चलें वहाँ पर चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, वो मशीन वगैरह वहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think grow hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.
today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. अच्छा मजे की बात ये गंदम के साथ साथ मैं आपको स्पष्ट करूंगा जो है ना एक जड़ी बूटी नहीं बोल सकते गंदम की तरह ही है बीज कि देखें ये जो है ना कहाँ चला गया इनमें से कोई भी एक गाना निकाल लेते हैं ये तो मेरे हाथ में ही नहीं आ रहा ये आ गया आपके हाथ में हाँ ये देखो ना ये जो है ना ये छोटे छोटे आप चीज़ देख रहे हो सरसों का तेल इनसे बनता है ये जो है ना ये ओ ये दाने इनसे बनेगा आपका सरसों का तेल तो ये तो भाई यहाँ करते हैं ब्लॉग को एंड और आफ्ता बाई से लेंगे इजाज़त इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इनसे फिर मुलाकात करेंगे अब तो मैं जा रहा हूँ कराची तो इंशाल्लाह जब आएंगे वापस तो आफ्ता बाई से मुलाकात करेंगे जाते जाते जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो अब तक पहुँच सके।